बिस्मर रहीकुम ख़ुदी नज़रात मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल नज़ीन अक्सर आपने हेयर कलर ख़रीदा होगा या बालों के इस्तेमाल के लिए कोई अशिया ख़रीदी होगी तो आपको पता होगा कि बालों के मुख्तफ़ शेड्स होते हैं स्या रंग के भी मुख्तलि शेड्स होते हैं कोई डार्क ब्राउन होता है कोई लाइट ब्राउन होता है कोई डार्केस्ट ब्राउन होता है फिर पता नहीं फिर डार्क ब्लैक आता है फिर ब्लैक की आगे किस में शुरू हो जाती हैं पिछले कई महीनों से जमहूरीत के लिए कई योम से आते लेकिन वो शायद लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन की मद में आते थे ज़ुमरे में आते थे मेरा ख्याल है कि आज का दिन पाकिस्तान की जमूरी तारीख़ में स्याहतरीन शेड के साथ याद रखा जाएगा डार्केस्ट ब्लैक डे था पाकिस्तान की तारीख का दो वजूहत की बुनियाद पर एक जो पाकिस्तान के अब मैं क्या कहूँ वज़ी खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि खामोशी से मान जाए सारे लोग वरना फिर मैं आनी तरामीम ब्रूट मेजोरिटी के साथ मंजूर करवाऊँगा अस्तफर खुदा बोल रहा था उस बच्चे के लहजे में खुदा बोल रहा था और भूल गए ये सारे अगले पिछले सबक जो तारीख़ इन्हें सिखाना चाहती थी तारीख सिखा रही थी इनको भूल जाते हैं और फिर दूसरी बड़ी बात जो अब तक जब मैं ये आपके सामने मारूज़ात पेश कर रहा हूँ तो मुल्क में जो जमूरीत के नाम पे आईनी तरमीम की आड़ में जो गद्दा गलीस खेल खेला जा रहा है ये दोनों बातें मिल के पाकिस्तान की जमूरीत पे ऐसा स्याह दब्बा लगा गई हैं कि इससे ज़्यादा स्याह निशान जो है वो मेरा ख़्याल पाकिस्तान की जमूरियत पे नहीं लगाओगे ये आनी तरामीम तो कुछ देर बाद मंजूर होती हैं नहीं होती किस सूरत में हो जाती हैं मैं आपको पहले कि फुसफुसी सी होंगी नाजरीन एक बात नोट फरमा लीजिए मैं मुसलसल कहता चला जा रहा हूँ मुसलसल कहता चला जा रहा हूँ कि ये तरह मीम हो या ना हो और जितनी मर्जी संगीन हो ये चंद माह से ज्यादा का खेल नहीं है ना ये तरह मीम रहेंगी ना ये बंदोबस्त रहेगा ना ये सिस्टम रहेगा क्यों इसलिए कि इस कौम का एक एक बच्चा जो है वो तय कर बैठा है कि अब ये निजाम चलने नहीं देना उसमें अच्छा नाजीन अब आते हैं हम आ, इसी बामर मजबूरी जिस पर मैं बहुत कराहत के साथ बात करना चाहता हूँ वही आइनी तरमीम का आ, मामला जो है वो अभी तक फंसा हुआ है जब तक आप सुन रहे होंगे गालिबन ये सेनेट में पेश काबीना से मंजूर करवाने के बाद सेनेट तक है अभी सेनेट का भी कोई पता नहीं चल रहा कौमी असम्बली का भी कोई पता नहीं चल रहा कौन हुकूमत के साथ है किसको हुकूमत ने ख़रीद लिया है किस को दबा लिया है किसके बच्चे उठा लिए हैं कौन ड्रामा कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा और जिनका हमें पता है हम शायद बता नहीं पा रहे आपको दिन मामला फंसा हुआ है हुकूमत और उसकी आमिजमातें अपनी जिद और हटदर्मी पर डटी हुई हैं ये फुसफुसी सी बेहुदा सी आइनी तरामीम भी करवाना चाहती हैं जिसमें उनके दो मेन जो मुतालबात हैं वो भी शामिल नहीं हैं यानी एक तो ऑबियस बात है कि आयनी अदालत का क़्याम और दूसरा फौजी अदालतों का तो ये दोनों के बगैर अगर वो तरामीम मंजूर करवाते हैं तो वो किस कदर बेजान मजहू लूली लंगड़ी तरामीम होगी जो वो करवाना चाहते थे उनके नस्बत तो नाजरीन फिर भी वो क्या कारनामा सर अंजाम दे देंगे इस सिलसिले में ऑब्वियसली हुकूमत के इरादे अभी तक तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे किसी ना किसी तरह वो मौलाना फजल रहमान को अपने साथ रखना चाहती है हुकूमत जो है और यही वजह है कि वो हर दस मिनट के बाद मौलाना के घर का तवाफ़ करने पे और पता करते हैं कि जी पी टी आई वाले चले गए अगर चले गए तो हम आ जाएँ तो मौलाना की कोशों से ही तरीके साफ के पाँच रहनुमाओं को आज इमरान ख़ान से मुलाकात की इजाज़त मिली है और सोलह रोज़ होने वाली बात ये सोलह रोज़ बाद होने वाली ये मुलाकात जो है उससे पता ये चला है ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि इमरान ख़ान पिछले दो हफ़्ते से मुकम्मल तौर पर क़ैद तनहाई में और उनसे तमाम बुनियादी इंसानी सहूलतें वापस ले ली गई हैं और मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर गौर और दीगर रहन ने बताया कि पाँच रोज़ से इमरान ख़ान के सेल में बिजली मुनक़ा है और दो हफ्ते से उन्हें अखबार भी नहीं मिल रहा और उन्हें टी वी की सहूलत भी अब हासिल नहीं है नाजी मैं आपको थोड़ी सी मज़ीद मालूम अपनी मालूम आपके साथ शेयर करता चलूँ कि तकरीबन डेढ़ हफ्ता पहले इमरान खान साहब के कमरे से टी वी उठा लिया गया था फिर दानिस्तौर पर टी वी खराब करके दोबारा उनके कमरे में रख दिया गया था कि अगर तस्वीर वगैरह जारी करनी पड़ती है या अदालत की तरफ से कोई बैलफ आता है या कोई इंस्पेक्शन आती है तो वहां टी वी पड़ा हुआ नजर आ जाए और न दूसरी बात यह है कि मैंने नहीं देखा के जेल हुकाम की तरफ से इतनी मुस्तदी के साथ प्रिंटेड वर्जन अपनी प्रेस रिलीज का प्रिंटेड यानी टाइप किया हुआ वर्जन सामने हाथ से लिखा हुआ नहीं है बाकायदा वो प्रिंटेड वर्जन जो है वो सामने आया है टाइप रिटर्न है बाकायदा वो कंप्यूटर पर टाइप करके निकाला गया है और बायदा सरकारी ज़बान है उसकी और वो मेरा ख़्याल ये पाँच मिनट के अंदर अंदर ये काम किया गया इसका मतलब है कि ये प्रेस रिलीज़ जो जेल उकास, जेल सुप्रेंड की तरफ से जारी की गई है ये पहले से तैयार शुदा थी बिल्कुल मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ जिस तरह जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है जो इमरान खान साहब का मेन्यू बताया गया है सुबह दोपहर शाम का खाना बताया गया है नाजीन हल्फन आपको बताता हूँ कि सत्तर फीसद झूठ पर मबनी है जो सुप्रीम जेल ने जितनी बातें की हैं सत्तर फीसद झूठ पर मबनी है कड़ी पकौड़ा देसी मुर्गा देसी मुर्गा नाजीन मैं आपको बताता चलूँ कि जान के इमरान खान साहब को छेड़ने के लिए देसी मुर्गे का लफ्स बार बार इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपने मनपसंद एंकर्स को मवाद फराम किया जा सके कि वो खान साहब का देसी मुर्गा का नाम लेके मजाक उड़ा सके कि जी जेल में बैठा देसी मुर्गे खा रहा है ताकि मरीम नवाज़ साहिबा को ये मौका मिल जाए ताकि अपोजिट जितने भी हुकूमत के करिंदे जो टी वी स्क्रीन पर बैठ के खान साहब का मजाक उड़ाते हैं उनको ये मौका फराहम किया जा सके कड़ी पकौड़ा उनको रोज़ाना दिया जा रहा है नाजरीन बिल्कुल झूठ कड़ी पकौड़ा कभी भी खान साहब की पसंदीदा डिशेज में से नहीं है ऐसी डिश के जिसको इमरान खान साहब रोज़ाना खाना पसंद करेंगे कभी भी ऐसी डिश नहीं है खान साहब काफ़ी दिनों से आ, जो है वो दलिया ही खा रहे हैं अपना क्योंकि उनको पिछले कुछ दिनों से उनको वर्जिश की इजाज़त नहीं दी जा रही जिसको कहते हैं कैदियों की टहलाई टहलाई के लिए उनको बाहर नहीं लाया जा रहा जो उनके बंद बैरक्स हैं और वो जो गली है उसके दरमियान कुछ देर के लिए और वो वक्फा भी अब गालिबा पंद्रह से बीस मिनट का कर दिया गया है पंद्रह बीस मिनट के लिए खान साहब को वहाँ पर टहलाई का मौका यानि टहलने का मौका दिया जाता है अपने छोटे सी काल कोठड़ी के बाहर पंद्रह बीस मिनट के लिए चौबीस घंटों के दौरान और फिर कहा जा रहा है कि जी कोकोनट और कोकोनट जूस और पता नहीं क्या क्या आ, उनको खान साहब को मुर्ग मुसलम खिलाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अपने पसंदीदा टी वी एंकर्स को बोलने के लिए मवाद दिया जा सके बिल्कुल ऐसा नहीं हाँ ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि ख़ान साहब की सेहत को कोई ख़ुदा नखास्ता ऐसा सीरियस आर्जा ला हाँ नहीं है ख़ान साहब को ख़ान साहब की सेहत अलहमद्ला ठीक है क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त कुत बर्दाश्त के हामिल इंसान है और उनका हौसला और हिम्मत जो है वो पूरी एक जिंदा जटान है और इतनी जल्दी वो टूटने वाले नहीं हैं क़ैद तन्हाई का मकसद भी ख़ान साहब को तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है नाजरी अच्छा फिर एक ख़बर जानबूझ के चला चलवाई गई है कि खान साहब ने ये कहा है कि अपनी टीम को जो लोग उनसे मिलने गए थे उनमें से एक की बर रास्त मेरे साथ अभी पंद्रह बीस मिनट की गुफ्तु हुई है उन्होंने कहा है कि दूर दूर तक ऐसी कोई बात ना इशारता ना कनायता किसी तरह खां साहब ने नहीं की और वही बात नाजरी ने कि जब ख़ान साहब को ये पता है कि यहाँ पे बगिंग हो रही है एक एक लफ्स मेरा रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ पे पुलिस वाले खड़े सुन रहे हैं दीवारों के भी कान हैं तो क्या खान साहब ये कहेंगे कि आपने शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है मुझे मायूस किए मुजाहरे नहीं किए क्या ये कह सकते हैं खान साहब नामुमकिन सी बात है यानी अफवाहें उड़ाने का अगर आपको इतना ही शौक़ है तो अफवाह साजी में कोई आ, अपने बड़ों से कोई रहनुमाई ले लो नून लीग वालों के बहुत सारे लोग हैं जिन जिन्होंने पीएचडी की हुई है इसमें उनसे रहनमाई ले लें तो नाजिन और ये जो आयनी तरमीम के हवाले से होने वाली जो पेश रफ्त है उसके अंदर पी टी आई रहनुमाओं ने इस हवाले से खान साहब को ब्रीफ़ किया और ख़ान साहब के इल्म में कुछ भी नहीं। खान साहब के इल्म तो ये भी नहीं था कि उनकी बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया इतना यानी काट के रखा गया इतनी सख्त किस्म की इतनी शदीद नोयीत की कैद तनहाई दी गई है ख़ान साहब को और खान साहब ने कहा है कि वो और उनका ख़ानदान इस मुल्क के लिए ये ख़बर सुनने के बाद ख़ान साहब ने कहा है कि वो और उनका ख़ानदान इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देता रहेगा लेकिन वो मुल्की सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे खान जो ख़ुद क़ैद तन में हैं उनके तमाम बुनियादी हकूक सलम है उन्होंने कौम के नाम पैगाम दिया है कि आप लोगों ने हक़ की राह से पीछे नहीं हटना हाँ मैं हैरान हूँ कि शौकत खानम के बच्चों ने इस मुल्क के लिए जो कुछ कर दिया है जिस तरह की दलेरी दिखाई है उसकी मिसाल असर हाजर में मेरा ख़्याल है नहीं मिलती पाकिस्तान में तो नहीं मिलती आस पास के मुल्कों में भी नहीं मिलती मुझे मैं अगर पिछले तीस पैंतीस साल की पूरी दुनिया की तारीख देखूँ तो ना मैंने इतने मजालम सियासी तौर पर होते हुए किसी एक सियासी जमात पर देखे हैं और ना दूसरी तरफ से इतनी बर्दाश्त मैंने देखी है इमरान खान और उनके घराने ने साबित कर दिया है कि सर उठा के जीने की कीमत अदा करना पड़ती है जबकि सर झुका कर जीने का मुआवजा मिलता है इमरान खान ने मौलाना के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है के और ये भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वो भी हक की खातर डटे रहेंगे अरे ये तो बातें थी जो मुलाकात के बाद बेरसर गौहर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताई हैं ताहम ज़राए का कहना यह भी है कि इमरान खान का अपनी पार्टी के लिए पैगाम यही है कि इस आइनी तरमीम के हक में किसी सूरत वोट नहीं देना किसी सूरत वोट नहीं देना कोई निगोसिएशन नहीं करना इसके खिलाफ़ पार्लियामेंट और सड़कों दोनों जगह पर एहत किया जाए और जरा का ये कहना है कि इमरान ख़ान ने पार्टी को यह भी हुक्म दिया है कि मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन होने तक एहत को भरपूर तौर पर जारी रखा जाए और नाजरीन आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान ख़ान साहब ने इस सवाले से ज़रा सख्त लहजे में बात की है और उन्होंने ये कहा है कि अपने एहताज को तेज़ किया जाए नाजिन मेरी जतीि राय भी ये है जो जो तमाशा आज पूरे मुल्क में लगा हुआ है ये तरामी मंजूर हो ना हो नरम हो सख्त हो जैसी भी हो अल्टीमेटली फैसला आवाम ने करना है वो चार हैं एक है पी टी आई पी टी आई के कारकुनान एक है आम आवाम दूसरी है अब जो नई ताकत खड़ी हो रही है वो है तलब इल और वकला और चौथी बड़ी ताकत नाज़रीन, जिसका आने वाले दिनों में बहुत ही अहम बल्कि अहम तरीन रोल होगा नाज़रीन वो नोट फरमा वो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने मेरी बहुत हम्बल ओपिनियन ये है कि दो ढाई माह से वो रोल प्ले नहीं किया जिनकी उनसे तो की जा रही थी मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ उनको इससे ज़्यादा डट कर मुकाबला करना चाहिए था इन हालात में अमेरिका में कनाडा में ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड में उनको ऐतजाजी मुजाहरे भरपूर अंदाज़ में करने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं किए लेकिन आने वाला वक्त मतकाजी है कि वो ये मुजाहरे करें अगर वो चाहते हैं कि इमरान ख़ान साहब की जो ख्वाहिश और जो उनके आदर्श हैं उनके ख्वाब हैं वो पूरे हों तो उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए इमरान खान के अपनी जमात के रहनमाओं के साथ अडेला में अभी मुलाकात जारी ही थी कि पीपल्स पार्टी का वफ़ जो है वो बिलावल की क्यादत में मोलना की रहायश गुँच गया और ताज़ा तरीन खबरें यह है कि आप फिर पहुँच रहे हैं बिलावल साहब पता नहीं क्या अब पता नहीं मोबाइल का चार्जर भी बुलाते हैं अपना बार बार वो लेने जाते हैं अब जरा का कहना यह है कि डेला जेल में इमरान खान से होने वाली मुलाकात का अहाल वजी दाखिला को लमह बलमह मिल रहा था क्योंकि जिस जगह मुलाकात कराई जा रही थी वो पूरी तरह बग थी जासूसी की जा रही थी इस मुलाकात को मॉनिटर किया जा रहा था ऐसे हालात में खान साहब ने अपने साथियों से ये कहना था कि आपने शिकायत कॉन्फ्रेंस ख़राब क्यों नहीं की यही वजह है कि तरीके इंसाफ के वफ की मौलाना से मुलाकात पहले से ही उसका तोड़ करने के लिए बिलावल जो है वो मौलाना के पास पहुंच गए अजराय का कहना यह है कि इस मुलाकात में भी बिलावल को कोई खातर ख़वा कामयाबी अभी तक तो नहीं मिल सकी क्योंकि मुलाकात के बाद मीडिया टॉक के लिए मौलाना नहीं आया और मौलाना ने जे -ई -ई के तर्जान असलम गौरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस मौके पर जे के तर्जमान का कहना यह था कि हम पी के दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं और चाहते हैं कि तरमीम के मामले में मिलकर आगे बढ़ा जाए ये वो बात बार बार कर रहे हैं बार बार कर रहे हैं असल में वो मौलाना की तोह का रहे एक तरह से यार एक तरफ आप मौलाना के पैर पड़ रहे हो दूसरी तरफ तो बार बार कहते आ गये तो ठीक है। वरना हम का। भी आपका तप्पड़ होता ना तो आप बीस दिन पहले करवा चुके होते कौन से झूठ क्यों बोल रहे जो कुछ आपको करना पड़े जितने आपको अगवा करने पड़े जितने आपको तशद करने पड़े जितने आपको प्लस प्लस लेके छातियां नोचनी पड़ी हैं आपको ये बीस दिन पहले अगर आप ये सब कुछ कर रहे तो ना करने पड़ते आपको अगर आप ये सब कुछ अगर आपके पास नंबर गेम पूरी होती तो आप इतना डिले कभी ना करते ये मौलना के पैरों में बैठे हुए इसीलिए बैठे हुए और उन्होंने खैर दबे लफ्जों में हुकूमत और बिलावल को भी वार्निंग दे दी है जे ने कि जिस मुसवदे पर पीपल्स पार्टी और जे यू आई में इतफाक़ हुए इसके अलावा अगर कोई और मसविदा लाया गया तो फिर हालात हमारे काबू में नहीं होंगे और बिलावल ने इस मौके पर इंसाफ को भी धमकी आमेज़ अंदाज़ में कहा है कि अब भी वो तरामीम पर राजी ना हुई तो फिर वो ज़िम्मेदार खुद होगी नाजिन मैं आपको एक और बात बताता चलूँ इस पर मैं एक नजम सेठी साहब का नाम ले देता हूँ उन्होंने कहा है कि जी वो फ़लाँ वजू वजूहत की बुनियाद पर ये हुकूमत जो है कि मौलाना फजल रमान जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है और मौलाना फजल रमान को साथ रखा जा रहा है मौलाना जो है वो वहाँ पर चुके मसला है के पी में पी टी आई के साथ मसला है नाजीन सीधी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान पी टी आई के वोट बैंक को असूलों की पासदारी का इम्प्रेशन दे के पी टी आई के वोट बैंक को डेंट डालना चाहते हैं इसीलिए वो इतनी लंबी खेल खेल रहे हैं मैंने कहा है, जहाँ पे मौलाना रहमान साहब का मफाद नहीं होगा सियासी मफाद नहीं होगा वो वहाँ पर नहीं रखेंगे वो गीली जगह पर नहीं रखेंगे वो जम के पाँव रखेंगे फिर उनको कोई ताकत के ज़रिए डरा नहीं सकता ये मैंने कल भी अर्ज किया था आज फिर कह रहा हूँ अलबतः वो पीटीआई के वोट बैंक पे नज़र रखे हुए हैं क्योंकि के पी का जो वोट बैंक है वो नज़रियात और काम और हालात देख के अपनी राय बदल लेता है वो कोई ऐसा वोटर नहीं है कि जो डाईआर्ड वोटर हो कोई काम करे या ना करे कोई बेअसूली करता रहे उसके साथ चिपका रहता है के पी का वोटर सियासी सियासी तौर पर बहुत बाशूर वोटर है इसीलिए आप देखते आए कि वो एक अरसे तक अपना जो वोट है वो बदलते रहे वो सियासी जमातों को बदलते बदल बदल के इकतदार हवाले करते रहे अच्छा ना जी दूसरी तरफ जराए का ये कहना है कि जे यू आई की पार्लीमानी पार्टी का इजलास भी मौलाना की रहश ग और जिसमें पार्लीमानी पार्टी की अक्सरीत ने तरामीम पर हकूमत की हमायत ना करने पर ज़ोर दिया है यानी जे यू आई के अंदर से भी मौलाना पे बहुत दबाव हुआ है क्यों इसी कि वोट बैंक का मसला है इन अरकान का कहना ये था कि मुझे वज़ा तरामीम से अवाम खुश नहीं है इसलिए ऐसी तरामीम का हिस्सा बान के अवामी गैज़ वज़ब को दावत ना दी जाए अब अफज़राय के मुताबिक जे यू आई की पार्लीमानी पार्टी में वाद रुकन जो हैं वो नूर आलम थे जिन्होंने तरामीम के हाक में वोट देने पर जोड़ दिया वही नूर आलम जो सबसे ज़्यादा बासूल रुकन है माशा जिन्होंने सबसे पहले जब खान साहब की हुकूमत थी तो लोटा क्रेसी का आगाज़ किया था अच्छा तरामीम से पहले नाजी बी एन पी के सरबरा अख्तर मैगल भी गुज्तर रात पाकिस्तान वापस पहुँच गए बहुत इश्ताल के आलम में आए उन्होंने आज मौलाना से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान बिलावल भी वहाँ पहुँच गए और उनकी भी अख्तर मैंगल से मुलाकात हो गई इस मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अख्तर मैंगल ने बहुत गु़स्से के आलम में ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन बातें बड़ी खड़ी की दो जमा दो दंगके की चोट पर बातें की इस मौके पर उन्होंने जो कुछ कहा है वो हुक्मरानों के कानों से धुआं निकाल देने के लिए काफ़ी और मुल्क सलामती के बारे में फ़िक्रमंद लोगों के लिए भाई से तश्वीश भी है उनकी बास बातें हमें गौर वफ़िक्र तदब्बर और ठंडे दिल से उनकी बातों पर ज़रूर गौर करना चाहिए उन्होंने कहा कि एक माह से मुल्क में हंगामी सूरत हाल है खुफ़िया तरीके से आइनी तरवीम लाई जा रही हैं और उनकी तमाम तर तो आयन की तरमीम पर लगी हुई है कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी है कि रातों रात तरमीम करनी पड़ रही है वक्त देखें रात का क्या और और अभी तक जो है इजलास बुलाए जा रहे हैं घंटियां बजाई जा रही हैं क्या कर रहे हैं आप यार ऐसी कौन सी तरमीम है जिसे पब्लिक करने से खुद हुकूमत को शर्म आ रही है ये मैं नहीं कह रहा अख्तर मंगल साहब कह रहे हैं उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा है कि वो किसी आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे अच्छा अख्तर मेंगल की न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद ही बलोचिस्तान में फौरी तौर पर हालात इंतहाई खराब होना शुरू हो गए पूरे सूबे में बीएनपी के कारकुन सड़कों पर निकले हुए और उन्होंने बलूचिस्तान की चार मरकजी शाहरा ब्लॉक कर दी जिसके बाद अमली तौर पर इस वक्त बलूचिस्तान का रता मुल्क के दीगर हिस्सों से मुनखता हो गया करा लो तरमीम खेल लो तरमीम तरमीम तो सी किसी को फिक्र है मुल्क की इस वक्त बलोचिस्तान नागरीन बलोचिस्तान क्या खेल खेल रहे हैं हम किसको क्या पैगाम दे रहे हैं अख्तर मंगल की जमात की तरफ से आने वाले मेरी जाती राय ये है कि इस रद्द ने ऐानों में बैठे हुए फैसला साजों को भी लर्जा के रख दिया हो होगा लर्ज़ा के रख दिया है मैं नहीं कह सकता लेकिन यकीन लर्जा के रख दिया होगा जिसके बाद अब इतलात ये आ रही हैं कि बाजारा को टास्क दिया गया है कि वह अख्तर मंगल से बातचीत शुरू करें ये तो वो हालात है जिसमें आइनी तरामीम मंजूर कराने की कोशिश की जा रही है और इससे साफ पता चलता है कि आइनी तरामीम पर हुकूमत की आमी जमातों के सिवा कोई खुश नहीं है जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि हुकूमत ताकत के अंदा धुंध इस्तेमाल से पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर कराई ले और इसका कुछ अंदाज़ा तो गुज्त रोज़ हैदराबाद जलसे में बिलावल की तकरीर से हो गया था जिसमें वो मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातों को खुली धमकी दे रहे थे नंगी धमकी दे रहे थे कि अगर तरमीम के लिए वोट ना दिया तो हम भी ये आ, फिर भी हम ये तरमीम मंजूर करा लेंगे और अगर ऐसा हुआ तो फिर वोट ना देने वाली वोट ना देने वाले अपनी खैर मना लें बिलावल साहब कुछ मतलब कैसी आपकी जमूरियत है कभी आप जमूरीत के आईने में अपना चेहरा देखें ये बातें करते हुए पिछले खासतौर पे दो या तीन दिन के दौरान किसी जमूरी आईने में अपना चेहरा देखें आप डर जाएंगे अपना चेहरा देख के इंतहाई भद्दे और क्री सूरत नजर आ रहे हैं आप जमूरीत के आईने में यह बात करते और धमकी देने का आपका अंदाज वही है जो आपके नाना ने तकरीबन पचास साल पहले अपनाया था जब आपके नाना ने धमकी दी थी कि जो मुंतखब रुकने असम्बली इजलास में शिरकत के लिए ढाका गया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा और आज बिलावल कह रहा है कि जिसने तरमीम के लिए वोट ना दिया तो कल को वो उनसे कोई शिकवा ना करें बिलावल साहब ताकत का ऐसा नशा ऐसा नशा इस वक्त आपको छह का नौ नजर आ रहा है बिलावल साहब एक बात समझने की कोशिश करें आप इस वक्त जो इंप्रेशन चंद महीने पहले अपनी शख्सियत का देने जा रहे थे आप उसके बिल्कुल बरअक्स नजर आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के जिन बुजुर्गों ने आपकी शख्सियत शख्सियत की तराश खराश पे दिन रात एक कर दिए थे आपने इन एक इस एक महीने में या पंद्रह बीस दिनों में उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया वैसे तो उन्होंने भी कोई कमाल नहीं किया था लेकिन उन्होंने आप पर जोर बहुत लगाया था आपको बनाने में आपको तराशने में आपकी बहुत कुछ किया था आपको सिखाने में कि आपका चेहरा पूरी दुनिया में ऐसा नज़र आए लेकिन बिलावल साहब आपने तो बेड़ गर्क कर दिया आपने तो आप ख़ुद अपने आप को नहीं पहचान पा रहे ताकत के इस नशे में वो आ, कोई खातून होती है वो किसी को आ, पहली दफ़ा मिलती है तो उसको अपनी लोकेशन बता रही होती है कि वो फलां जगह पहुंच के तो वो लड़का नहीं पहुँचा तब उसको लड़की समझती है कि नहीं पहुंचा और वो अपनी लोकेशन समझाने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है कि ये एक मैं बुढ़े से बदनुमा से भद्दे से बंदा के साथ ही खड़ी हुई हूँ और उसने काला कोट और लाल टाई लगाई हुई है तो काफ़ी देर बाद वो बंदे को पता चलता है काला कोट तो लाल टाई तो मैंने लगाई हुई है आपको भी अंदाज़ा नहीं हो रहा बिलावल साहब के काला कोट और लाल टाई आपने पहनी हुई है आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा इसलिए कि इस वक्त आप ताकत के नशे में डूबे हुए हैं आप इन दोनों ताकतवरों की गुड बुक में ए, रहने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं ये बात लिख लें बिलावल साहब आप अपना आप भी डबो देंगे तो आप वजीर आजम नहीं बन पाएंगे किसी कीमत पे आप वजीरम नहीं बन पाएंगे मैं मेरा नाम बदल दीजिएगा जिस दिन आप वजीर आजम बने और इन ताकतों के बल पे बने ये आईनी तरमीम का झंझट अगर आपको बहुत शौक है ये करना वो करना फलांक कर रहे हैं तो आइनी तरमीम का झंझट ही छोड़ दें जो आपसे करवा रहे हैं जो आप कहना चाहते हैं आप सीधी तरह कहें कि जनाब इसमें क्या पड़ा है नी तरवीम में सीधी सीधी एक तरमीम कराएं कि अगले तीस साल के लिए बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वजीर अजम होगा और अपने वालद जरदारी साहब को भी इसी तरह की तरमीम के लिए पहले ताइयात सदर डिक्लेयर कर दें नहीं तो फिर आयन में लिख दें कि बाद अज बादजसमर्ग भी जरदारी साहब इस मुल्क के सदर रहेंगे और ये मुल्क उनकी वसीयत के मुताबिक चलाया चलाया जाएगा जैसे वो जरदारी साहब खुद भी एक वसीयत के नतीजे में ही पार्टी के सदर बने थे ना तो ऐसी एक तरमीम करवाएं जान छोड़ाएं ऐलान कर दें तरमीम हो या ना हो लोग वोट दें या ना दें ऐलान कर दें कि जी तरमीम हुई थी हमने वहाँ पर शाह में इजलास किया था असम्बली का कह दें आपको अदालतों पे इतना ही एतबार है इतनी आप तारीफें कर रहे हैं काजी फायजीसा के से कि मेरा ख्याल है कि काजी फायजीसा की एहलिया ने इतनी तारीफें कभी नहीं की होंगी जितनी आपने कर दी हैं बिलावल बिलावल साहब आप जिस ताकत के नशे में और इकतदार की जिस मस्ती में हैं यह दुनिया ने पहली बार नहीं देखी इस मुल्क ने ही कई जाबर और कई बहुत जालिम के किस्म के डिक्टेटर देखे हैं पर वो भी किसी कायदे और कानून के पाबंद थे मगर आपको तो अनोखा इकतदार मिला है या अभी मिलने जा रहा है कि आप चाहते हैं कि आपके मुंह से निकला हुआ लफ्ज जो है वो कानून बन जाए और जो उसकी मुखालफत करे उसकी खाल खींच दी जाए रावल साहब अपने लहजे पर गौर करें जिनके कंधों पर बैठकर आप दूसरों की पगड़ियां नोच रहे हैं ना इन कंधों के सवार बदलते रहते हैं इस तंग हकीकत को हमेशा याद रखें ताकत का जो नशा जिसे भी तंग कर रहा है अवाम ने पहले भी इस नशे के कई मरीज पूरी तरह सेहत याब करके घरों को भेजे और आइंदा भी भेजते रहेंगे तो ये जो आ, और दूसरी तरफ आप नाजरीन देखें कि नून लीग इस सारे मामले में इरेलीवेंट होकर रह गई है लेकिन बोलने से बाज नहीं आ रही इरफान सदीकी साहब जैसे बुजुर्ग जो अल्लाह उनकी जिंदगी करे और उनको से तंदुरुस्ती बख्शे वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं किस किस तरह आइन और कानून के हवाले दे रहे हैं कितनी जिंदगी बाकी रह गई इरफान साहब हम सबकी तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि तरमीम पीटीआई के गले की फांस बन गए ओ भाई भाईजान तलाल साहब और पीटीआई को कुछ नहीं होना पीटीआई इस वक्त सत्तर अस्सी फीसद लोगों की सपोर्ट एंजॉय कर रही है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात के हिस्से में नहीं आई ये कल कला आईनी तरमीम जितनी सख्त होती जाएगी उसकी एक एक क्लॉज आपके गले की फांस बनेगी आपने वो सुना नहीं हुआ कि वो मियाँ बीबी जो है ना वो बाजार जाते हैं तो वो आ, ग्लास लेने के लिए जाते हैं तो शोर तो 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 बार बार ना वो कहता है कि ये ये वाले गिलास ले लो तो बीवी कहती है कि नहीं नहीं ये ये खुले मुंह वाले नहीं लेने ये ये प्यारे हैं ये तंग मुंह वाले ये प्यारे हैं तो दुकानदार बीच में कहता है कि नहीं नहीं बेगम साहबा सही कह रही हैं आजकल तंग मुंह वालों का रिवाज है ये ले लें तो शोर कहता है दुकानदार साहब तुम चुप करो और खुले वाले खुले मुँह वाले जो है ना गिलास वही लेने हैं और धोने तो मैंने है ना उनमें धोने में आसानी रहती है मेरा हाथ जाता है अंदर तंग मुँह वालों में मेरा हाथ नहीं जाता भाजी ये धोने पड़ने गिलास तलाल साहब ये गिलास अल्टीमेटली आपको धोने पड़ने हैं ये आईनी तरामीम आपको भुगतनी पड़नी है अनाजिन इसके साथ ही मैं नईम जरार साहब के लफ्जों में अपनी बात खत्म करता हूँ बाद दस वक्त खुला हम पे ये तकसीम के बाद बदस वक्त खुला हम पे ये तकसीम के बाद ज़रफ़ किरदार बड़ी चीज़ है तालीम के बाद ज़रफो किरदार बड़ी चीज़ है तालीम के बाद जुर्म तोसी के खयानत का है अंजाम करीब जुर्म तोसी के खयानत का है अंजाम करीब चाहे तरमीम से पहले हो के तरम के बाद नाजिन खुश रहें खुश रखें आपसे मुलाकात होगी इन शाह अगले व्लाग में अल्ला हाफि